दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 5G स्मार्टफोन के बारे में जो 2019 में लॉन्च होने वाला है। और मैं आपको इसके पांचों के डिटेल बताने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ कि कितना कितना जीबी क्या हो सकता है, कितना कैमरा हो सकता है, कितना स्टोरेज हो सकता है और ये आपको कब लॉन्च होने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप जानना चाहते हैं कि टॉप 5 कौन से ऐसे फोन है जिसमें 5G इनेबल्ड आएगा, प्लस में आपको अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं और बाद में लाइक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वैसे टॉप 5G स्मार्टफोन है जो 5G इनेबल के साथ आएंगे और इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फोन की बात करें तो आपको कौन सा फर्स्ट फोन मिल सकता है। दोस्तों हम फर्स्ट फोन की बात करें तो यहाँ पर हम सभी का फेवरेट फोन Xiaomi की तरफ से आने वाला Xiaomi Mi Mix 3 5G फोन आएगा दोस्तों। तो चलिए इसके जानते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या हो सकता है। दोस्तों यदि प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 देखने को मिल सकता है। आपको रैम इसमें 10GB का रैम मिलेगा, प्लस में रोम आपको 256GB मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। लॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिलेगा, प्लस में साइड में फिंगरप्रिंट्स स्कैनर मिल सकता है। यदि हम दोस्तों कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर में आपको दो कैमरा मिलेंगे, यानी ड्यूल कैमरा मिलेगा जो 12+12 मेगापिक्सल का हो सकता है। फ्रंट में दोस्तों आपको 24+2 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने मिल सकता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 3200mAh का बैटरी मिलेगा, जो कुछ ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि हम एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 फरवरी 2019 को देखने को मिल सकता है ये फ़ोन। अगर हम सेकंड फोन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको Samsung Galaxy का S10X 5G देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको Samsung का XMOS 9 Octa 9810 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 12GB का रैम मिलेगा, प्लस में आपको रोम जो है 256GB का मिलेगा। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिला, साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, प्लस में आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है, जो 16+13+8 मेगापिक्सल का हो सकता है। फ्रंट में दोस्तों आपको ड्यूल कैमरा मिल सकता है, जो होगा 12+5 मेगापिक्सल का। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 3500mAh का बैटरी मिल सकता है। यदि हम इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 19 फरवरी 2019 को देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक यह फ़ोन आ जाएगा। दोस्तों यदि हम थर्ड फोन की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सोनी एक्सपीरिया X Z4 फोन आने वाला है जो 5G इनेबल के साथ आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका भी स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या हो सकता है। तो इसमें आपको प्रोसेसर देखने मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 845। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। यदि हम कैमरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रियर में आपको ड्यूल कैमरा मिलेगा, प्लस में फ्रंट में आपको एक कैमरा मिलेगा। तो चलिए कैमरा क्या होगा, रियर में आपको 16+16 मेगापिक्सल का मिल सकता है, फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का मिल सकता है। यदि हम रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम मिलेगा, आपका इंटरनल स्टोरेज 64GB मिलेगा, आप इसे एक्सपेंडेबल करके 512GB तक कर सकते हैं। यदि हम अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000mAh का बैटरी मिल सकता है, प्लस में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो यहाँ पर 27 फरवरी को मिल सकता है आपको फोन 2019 में। अगर हम फोर्थ फोन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको OnePlus का 7 देखने को मिल सकता है, जैसे तो 5G के साथ आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके भी स्पेसिफिकेशन क्या हो सकते हैं, कि आपको फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 850 मिल सकता है। रैम की बात करें तो यहाँ पर 6GB रैम, प्लस में 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है, प्लस में आपको फेस अनलॉक भी मिल सकता है। यदि हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है, जो होगा 24 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का, प्लस में 8 मेगापिक्सल का। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा लगा, जिससे आप 4K में शूटिंग कर सकते हैं बहुत ही स्लो मोशन में। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी पावरफुल देखने को मिल सकता है, जो होगा 4150mAh का। यदि लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 8 मई को यह फ़ोन देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर अब फिफ्थ फोन जो है लास्ट फोन, दोस्तों यहाँ पर जो फिफ्थ फोन है दोस्तों, Huawei का P30 फोन आपको देखने को मिल सकता है 5G के साथ। तो चलिए जानते हैं इसके क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशंस।
अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रीन 980 प्रोसेसर देखने मिल सकता है। रैम आपको बात करें तो यहाँ पर 5GB का रैम प्लस में आपको इंटरनल स्टोरेज 128GB का मिलेगा। यदि आप चाहें तो कार्ड से इसे 256GB तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने मिल सकता है। फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने मिल सकता है। तो ट्रिपल कैमरा होगा दोस्तों रियर में वो 40+20+8MP का होगा और फ्रंट में आपको 24MP का देखने मिल सकता है। अगर हम बैटरी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अनलॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक देखने मिल सकता है प्लस में आपको फेस अनलॉक भी मिल सकता है। साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिल सकता है। यहाँ पर आप ड्यूल सिम का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड लॉन्च बताया जाए कि 15 फरवरी 2019 को आपको ये फोन देखने मिल सकता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप इसमें से कोई भी फोन लेने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा फोन लेने वाला है। आप किसी का नाम लिख सकते हैं। यदि लेने वाले तो यस बताइए। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों की ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इस तरह का अपनी वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।